हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल मल्टी रोज लाइफ। दोस्तों, आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है मोटापा यानी बेली फैट कम करने के घरेलू उपाय। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, जो पूर्णतः फ्री है, जिससे कि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक समय पर पहुँच सकें। सबसे पहले यह जानिए कि क्या होता है मोटापा यानी बेली फैट। मांसपेशियों पर वसा फैट की परत पर परत जम जाना, शरीर पर जरूरत से ज्यादा चर्बी चढ़ जाना ही मोटापा कहलाता है। अधिक कैलोरी, गरिष्ठ भोजन व अनियमित भोजन खाना, पर शारीरिक श्रम ना करना, तला हुआ व जंक फूड खाना, असमय खाने पीने व ज्यादा खाने की गलत आदतों से भी मोटापा हो जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों इंसान बेडोल व अपनी उम्र से भी ज्यादा दिखाई देता है। अगर सही लफ्जों में कहें तो खूबसूरती पर एक दाग की तरह है यह मोटापा। तो साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोटापा कम करने के लिए क्या खाना चाहिए और किस तरीके से मोटापे को कम किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ हम आपसे बताना चाहेंगे कि कुछ साथियों को या कुछ लोगों को एक यह हमेशा रहता है कि मोटापा बहुत जल्द से जल्द कम हो, एकदम, यानी कि एक वीक में ही अगर आप 10 केजी मोटापा कम करना चाहते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो जो भी आप करें मोटापा कम करने के लिए, इस तरीके से करें कि मोटापा आहिस्ता आहिस्ता ही कम हो। तो पहले हम आपको सब्जी और फ्रूट्स के बारे में बताते हैं। तुरई, काशीफल, कद्दू, इनकी सब्जी खाने से भी मोटापा घटता है। मतलब अपने खाने में आप इन सब्जियों का इस्तेमाल करें, उससे आपका मोटापा कम होगा। रात को चने की दाल भिगोकर नित्य सुबह उसमें शहद मिलाकर भूखे पेट खाएं, इससे भी आप महसूस खुद करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपका मोटापा कम होगा। अजवाइन जो एक तरीके से मोटापे का दुश्मन होता है, प्रातः भूखे पेट और रात को सोते समय एक चुटकी अजवाइन की पानी के साथ फंकी लें। यह एक महीना करने से आपके शरीर पर जो अतिरिक्त चर्बी चढ़ गई है वो घट जाएगी, वो कम हो जाएगी और आपका वजन कम हो जाएगा। दाना मेथी, कूटी हुई दाना मेथी की एक चम्मच गर्म पानी से प्रातः फंकी लें, इससे पेट साफ रहता है, शरीर का मोटापा कम होता है और आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार और कई शोधों के अनुसार यह स्पष्ट हो गया है कि नाश्ते व दोनों समय भोजन से पहले एक सेब खाएं। इस तरह दिन में 2-3 सेब नित्य खाने से 7 दिन में ही आपका वजन काफी कम हो जाएगा। आप सेब खाकर भी अपना मोटापा कम कर सकते हैं। दोस्तों, फिर लौकी, ये एक बहुत सस्ती सी सब्जी है लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। प्रातः एक छोटा गिलास कच्ची लौकी का रस पीने से मोटापा कम होता है। लौकी के रस में मोटापा घटाने के बहुत से गुण होते हैं। एक पाव पानी उबालकर ठंडा करें, जब पानी हल्का गुनगुना रह जाए तब उसमें थोड़ा सा नींबू का रस तथा 15 ग्राम शहद मिलाकर शरबत के समान पीने से मोटापा दूर हो जाता है। यह प्रयोग प्रातः ही करना चाहिए, उससे काफी फायदा आपको मिलेगा। चाय, कॉफी चर्बी बढ़ाने वाले तथा मीठे पदार्थों का सेवन न के बराबर करें। दोनों समय भोजन के तत्काल बाद एक गिलास उबलता हुआ गर्म पानी पी लें और जितना गर्म पिया जा सके चाय की भांति छोटे छोटे घूंट भरें। इस प्रकार खाने के तत्काल बाद गर्म पानी के लगातार सेवन से मोटापा घटकर शरीर बैलेंस्ड हो जाता है, आपका फैटीपन कम हो जाता है और आप फिर एकदम खूबसूरत नजर आने लग जाएंगे। दोस्तों, आज ये हमने जो आपको घरेलू नुस्खे बताए हैं, आप इसमें एक समय में एक दो नुस्खों का ही इस्तेमाल करें, उससे आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मोटापा कम होता जा रहा है। और खाने पीने का खास ख्याल रखें। कई बार कुछ लोगों की, जो साथियों की एक आदत होती है भूख से ज्यादा खा जाना, तो जितनी भूख है उससे हमेशा खाना कम खाएंगे और शरीर की आदत जैसे डलती है वैसे ही डलती चली जाती है। कम खाएंगे और मेहनत थोड़ी ज्यादा करेंगे तो मोटापा रहेगा ही नहीं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होंगी। ऐसी ही तमाम और जानकारियों के लिए आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल मल्टी रोज लाइफ को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा और साथियों को शेयर करें, ताकि आपके द्वारा यह तमाम जानकारियाँ आपके उन साथियों को भी पहुँच सके। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। धन्यवाद।